जेलेंस्की को F-16 मिल गया तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं, पुतिन को इसका अंदाजा लग चुका है और रूस में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है और पुतिन अब भी समझ नहीं पाए हैं कि इसका बदला कैसे लिया जाए। इस हमले ने पुतिन का क्या बिगाड़ा, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन इस हमले में खत्म हो चुका है। चौबीस घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, ये तस्वीर पुतिन के जहन में दौड़े जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, इस तस्वीर ने रूस की इज्जत को जैसे मिट्टी में मिला दिया है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, इस तस्वीर को देखकर पुतिन बार बार पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और उसे सजा क्या दी जाए। इस तस्वीर को रूस ने दुनिया से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब जितने एंगल से तस्वीर वायरल की जा रही है उतनी ज्यादा रूस की फजीहत हो रही है। यही वजह है कि पुतिन के गुस्से का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये युद्ध वाले बुखार की वो स्टेज है जिसमें अचानक से जेलेंस्की ने पुतिन को बड़े झटके देना शुरू कर दिया है। ये रूस का सेल्सी एयरबेस है और यहां जल रहा यह विमान रूस का TU-22M3 है। ये रूस का स्ट्रैटेजिक बम वर्षक विमान है जो सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। हम कह सकते हैं कि रूस का परमाणु हिटमैन मारा गया है। ड्रोन अटैक में पुतिन का TU-22 पूरी तरह जल गया है। सवाल है कि क्या रूस में ही जेलेंस्की का शूटर गैंग एक्टिव है या फिर यह हमला सीधे यूक्रेन से किया गया है। यूक्रेन ऐसे हमले करने में सक्षम है, आए दिन अब मॉस्को में ड्रोन से हमले हो रहे हैं। पुतिन कई ड्रोन को मारने में कामयाब हुए हैं तो जेलेंस्की के कई ड्रोन ने अपने मिशन को पूरा किया है। इस युद्ध में काउंटर अटैक छेड़ चुके जेलेंस्की का सबसे बड़ा मकसद युद्ध को रूस के अंदर ले जाना है और अब वो इस तरह के हमले करके पुतिन को बताना चाहते हैं कि जंग की आग यूक्रेन को ही नहीं रूस को भी पूरी तरह जला सकती है। Today we are confident that Russia will lose this war. But this is not the only main thing. The main thing is what we prove with our victory, with our cooperation, what you prove supporting Ukraine. Together we prove that life is a value, that people matter, freedom matters, Europe matters. सवाल है कि पुतिन को यूक्रेन के युद्ध के बीच सबसे बड़ा झटका देने वाला हमला कैसे हुआ। यूक्रेन के युद्ध के बीच जेलेंस्की की सेना पहले भी पुतिन की जान लेने की कोशिश कर चुकी है, ये दावा रूस की तरफ से किया गया था जब मई महीने की शुरुआत में क्रेमलिन के गुंबद के पास ड्रोन से धमाका किया गया था। तब भी सवाल खड़े हुए थे कि ये साजिश किसने रची और किस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। क्या ये ड्रोन वाकई यूक्रेन की जमीन से उड़े और बिना ट्रैक हुए मॉस्को तक पहुंच गए, या फिर रूस के अंदर मौजूद जेलेंस्की के छापामार लड़ाकों ने मॉस्को के करीब से इस ड्रोन को आसमान में पहुंचाया। यही सवाल सेल्सी एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद उठाए जा रहे हैं। यह हमला रूस में हुआ है, लेकिन इस धमाके ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लेकर लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक दहशत फैला दी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी ड्रोन से डर गई हैं, क्योंकि रूस में हुए हमलों ने अब पुतिन के जवाबी अटैक को दावत दे दी है। पुतिन पूछ रहे हैं कि जेलेंस्की को हमले के लिए ड्रोन किसने दिया, किसने फंड दिया, किसने तकनीक बताई और किसने प्लान बनाकर हमले को अंजाम दिया। रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जिस विमान को जेलेंस्की ने पूरी तरह जला दिया उसी परमाणु हिटमैन की मदद से पुतिन ने मारियोपोल पर इतनी मिसाइल बरसाई थी कि रूस की फौज गिनना भूल गई। TU-22 बमवर्षक विमान एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, ये 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का हिस्सा है।
TU-22 इस वक्त नेटो के लिए भी बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। इसे बहुत शॉर्ट नोटिस पर दुनिया में किसी भी जगह हमले के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। करीब 2300 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार के साथ ये करीब 7000 किलोमीटर की रेंज तक बिना रिफ्यूलिंग के हमला कर सकता है। यूक्रेन का युद्ध अब ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां पुतिन के एक नहीं बल्कि दर्जनों दुश्मन हैं और पुतिन को सब पर शक है। जिस सेल्सी एयरबेस पर यह हमला हुआ वहां से नेटो के सदस्य देश एस्टोनिया और लात्विया ज्यादा करीब है। सेल्सी से एस्टोनिया की दूरी तो महज 150 किलोमीटर है, इसलिए शक उस पर भी उठता है, जबकि उत्तरी यूक्रेन का बॉर्डर यहां से 700 किलोमीटर है। ये दोनों जगह पुतिन के खिलाफ हमले में इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन जेलेंस्की के पास अब रूस के अंदर तक हमला करने की ताकत आ चुकी है और वो इसका प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल है कि सेल्सी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल कहां से किया गया। बहुत तहकीकात करके ऐसे 3 ड्रोन पर शक है जो जेलेंस्की की फौज ऑपरेट करती है और वो इतनी लंबी दूरी तक अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि ये जेलेंस्की का काम है। अब इसी लाइन पर रूस बदला भी लेना चाहता है। जेलेंस्की के तीनों ड्रोन के बारे में बहुत सी बारीक बातें हमें पता चली हैं, इनकी खासियत और इनकी कमियां। क्या ये ड्रोन वाकई सेल्सी एयरबेस या फिर मॉस्को ही नहीं बल्कि पूरे रूस के दूसरे सबसे सुरक्षित इलाके में भी घुसपैठ कर सकते हैं, और फिर क्या ऐसा धमाका अंजाम दिया जा सकता है। अब सवाल है कि ड्रोन को रूस के अंदर से उड़ाया गया, अगर हाँ तो इसका मतलब है कि रूस के अंदर ही जेलेंस्की के छापामार लड़ाके एक्टिव हो चुके हैं और जेलेंस्की के शूटर गैंग इस वक्त रूस के अंदर रहकर भी पुतिन के सबसे अहम अड्डों को टारगेट कर रहे हैं। वैसे इससे पहले भी यूक्रेन के UJ-22 ड्रोन ने रूस के अंदर कई हमलों को अंजाम दिया है, चाहे पुतिन का तेल डिपो हो या फिर मिलिट्री ठिकाने। जेलेंस्की की फौज ने इस ड्रोन के जरिए रूस के अंदर हमले किए हैं। कई बार ये ड्रोन नाकाम रहा, कई बार इसे मार गिराया गया, तो कई बार ये क्रैश भी हुआ। इसलिए जेलेंस्की ऐसा हमला करने की ताकत रखते हैं। इसमें सबसे खतरनाक UJ-22 ही माना जाता है। ये यूक्रेन में बनाया गया ड्रोन है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ये विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और एक कामिकाजे ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये ड्रोन इस्तेमाल हुआ तो उत्तरी यूक्रेन से लेकर सेल्सी तक का सफर इसने 5 घंटे की उड़ान में तय कर लिया होगा। ये एक तरफा उड़ान ही रहेगी क्योंकि ड्रोन का वापस लौटना मुमकिन नहीं है। और फिर सेल्सी में TU-22 M3 बम वर्षक विमान पर इसने हमला किया। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है क्योंकि ये बात तय है कि पुतिन अब इसका बदला न सिर्फ जेलेंस्की से लेना चाहते हैं बल्कि उन ताकतों को भी तहस नहस करना चाहते हैं जो जेलेंस्की को ऐसे हमलों के लिए उकसा रही हैं, या कहें कि युद्ध में जेलेंस्की को हथियार सप्लाई कर रही हैं। UJ-22 के अलावा जो 2 और ड्रोन हैं उनकी भी खासियत जान लीजिए, क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से अगला हमला भी जल्द हो सकता है, इसकी पुतिन को पूरी आशंका है। ऐसे ड्रोन्स को रोकने के लिए अलग अलग दर्जे का एयर डिफेंस इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाता है कि खतरा कितना बड़ा है, क्या ये ड्रोन है या फिर मिसाइल या फिर कोई और लड़ाकू विमान। रूस का बॉर्डर ही नहीं खास कैपिटल सिटी मॉस्को को बचाने के लिए बहुत ही पुख्ता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है। सेल्सी में तो एयर डिफेंस सिस्टम रहा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। रूस को हवाई हमले से बचाने के लिए सबसे बाहरी सर्कल S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कवर करता है जो विमान ही नहीं परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। इसके अंदर का दायरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है। इसके अंदर का दायरा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पानसीर S-1 देखते हैं। ये दोनों पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें पानसीर को तो क्रेमलिन के आसपास इमारतों की छत पर भी लगाया गया है ताकि ये उन टारगेट्स को खत्म कर सके जो किसी वजह से S-500 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर क्रेमलिन जैसे टारगेट तक पहुंच जाते हैं। सेल्सी में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहाँ रूस का पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया और जेलेंस्की का ड्रोन मौत बनकर पुतिन के परमाणु हिटमैन पर टूट पड़ा और उसे पूरी तरह जलाकर राख कर डाला। फिलहाल पुतिन के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक एयरबेस पर हुए हमले का बदला लिया जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है।
पुतिन और उनके नीचे की लीडरशिप ने इसका इशारा कर दिया है। सवाल है कि अगला बड़ा हमला किस पर होगा? क्या ज़ेलेंस्की पुतिन का अगला टारगेट बनने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के युद्ध को खत्म नहीं करेगा, बल्कि इस जंग में कई और बड़ी ताकत सीधा शामिल हो जाएंगी, क्योंकि उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन के बाद अब उनका नंबर है और अब पुतिन के पास इस युद्ध के दायरे को बढ़ाने के बाद नए टारगेट तलाश करने की भी पूरी वजह है। ऐसे में क्या पुतिन ये मौका छोड़ देंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है।